कैसा नुकसान है? बाहर के लोग यहाँ तिजारत करेंगे तो यहाँ के लोग तो बेचारे ठप्पा हो जाएगा उनको। अच्छा। नुकसान तो हो जाएगा ही उनको। अच्छा। हाँ, उसके अगर अलावा मुझे कुछ पता नहीं। जम्मू का डोगरा, जम्मू के डोगरे जड़े भी हैं, वो इस दे रिलायंस के बिल्कुल हक के विच है। तो ये आए पैरेस्टामोल जी है, वो जी है 70 रुपये का पट्टा मिलना, सानू 20 रुपये का पट्टा मिलता। ठीक है, ठीक है ना भाई, जम्मू का लोकल हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, कट्टे है भाईचारा सा, असी बोले गए थे कि रिलायंस लेना लेना, उत्थे जाना जाना सी उत्थे। लेकिन इसके आने से बड़े बड़े लाला जो है इनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन गरीब पब्लिक जरूर परेशान होगी। ये असल च लोगों के वास्ते ही बेनीफिट है, जेड़ा ये गल करे करता है वो एंटी नेशनल है। अच्छा होगा, अच्छा होगा, हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अच्छा। प्लस होलसेल मार्केट्स में हमें अच्छे प्राइसेस में सामान मिल जाएगा, हमारे लिए तो अच्छा ही। छोटे काम करने वालों के अब फिर लॉस पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा लॉस है तो वो तो बेकार ही है, कहीं का नहीं रहेगा वो। ये मैं कहना पहला कदम है सरकार का, सेंटर का, कि लोगों का की कहते भला करने वास्ते पहला कदम है। और रिलायंस इतने आए, असं तो चाहते हैं वो इधर आए ताकि लोगों को नौकरियां लभे। हालांकि ये अब साफ हो चुका है कि जम्मू में रिलायंस के 100 स्टोर नहीं आने वाले हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो आए जनता जनार्दन से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या कहना है उनका रिलायंस के स्टोर को लेकर। अगर रिलायंस के स्टोर जम्मू में आते हैं तो क्या ये जम्मू वालों के लिए ठीक होगा? अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ जी। मतलब जम्मू वालों के लिए नुकसान होगा कि फायदा? कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। बड़े व्यापारी आएंगे, बड़े माल लाएंगे। अच्छा। जो हम चीज़ 500 की लेते हैं, जो हमें 1000 की लगाते हैं मार्केट में, वो कंपटीशन होगा उसमें, वो माल लाएंगे। बैठिए आप, नहीं आप तो कंपटीशन होगा उसमें, वो माल ज़्यादा लाएंगे, वो सस्ता मिलेगा हर एक को। मतलब फायदा होगा फिर? फायदा होगा। अंकल जी, अगर रिलायंस के स्टोर जम्मू में आते हैं, मैं नहीं पता है, जम्मू में अगर रिलायंस के स्टोर आते हैं तो जम्मू वालों के लिए ठीक होगा? नहीं। क्यों? नुकसान है उनके लिए। अच्छा। हाँ, कैसा नुकसान है? बाहर के लोग यहाँ तिजारत करेंगे तो यहाँ के लोग तो बेचारे ठप्पा हो जाएगा उनको। अच्छा। नुकसान तो हो जाएगा ही उनको। अच्छा। हाँ, उसके अगर अलावा मुझे कुछ पता नहीं। अब पता नहीं उसमें क्या क्या मिलेगा, ठीक होगा या नहीं होगा। अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो ठीक ही होगी। जम्मू के लोगों को नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा आपके हिसाब से? हमारे बहन भाइयों को नुकसान ही होगा, जो दुकानदार हैं उनको तो नुकसान ही होगा ना बेचारों को, जो पहले काम कर रहे हैं यहाँ, उनका बिजनेस तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बाकियों से भी ले लो राय, क्या बोलते हैं, हमारी राय यही है, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। जम्मू में अगर रिलायंस के स्टोर आते हैं तो क्या जम्मू वालों के लिए ठीक रहेगा? नहीं रहेगा ठीक। वो क्यों नहीं रहेगा ठीक? जब 370-35 ही नहीं रहा तो वो क्या करेगा सर? अगर वो आएंगे तो उससे जम्मू के लोगों को नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा? नुकसान ही, फायदा ही होगा, अच्छा रहेगा आएगा। क्या फायदा होगा? सब कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी। और क्या सस्ती हो जाएंगी? दो साल के लिए तो होंगी ना। कितने सालों के लिए? दो साल के लिए रखेंगे, दो साल के लिए सस्ते रखेंगे, उसके बाद अपना अपना रेट वो बढ़ाते जाएंगे आस्ता आस्ता। पहले शुरू में इंसान दुकान डालता है, शुरू में पहले सस्ता माल बेचता है कस्टमर बनाने के लिए, आस्ता आस्ता फिर अपने हद में आ ही जाता है, अपनी हद में आ जाता है। अंकल जी, जम्मू में अगर अलायंस के स्टोर आते हैं तो इससे जम्मू वालों को, मतलब जम्मू वालों के लिए ठीक होगा ये? नहीं नहीं, ठीक कहाँ होगा, ये बिल्कुल सारा सर गलत है और नाइंसाफ़ी है। ये हमने अपने आप पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, दफ़ा 370 तोड़ के एक तो, और जो ये हालात बने हैं इसकी वजह, कल जम्मू पूरा बंद था तो यहाँ पूरे खुले हुए थे, मगर इसके अच्छा, ये खुला हुआ था एरिया? हाँ, यहाँ खुला हुआ था, यहाँ कोई आया नहीं कहीं। अच्छा, किसी ने नहीं बोला यहाँ पे बंद? नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं बोला। तो मतलब जम्मू वालों के लिए क्या रहेगा अगर स्टोर्स आते हैं तो, क्या फ़ायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा, फ़ायदा कहाँ से होगा, ये सरासर गलत है, यहाँ काम काज कुछ नहीं रहेगा। अंकल जी, अगर जम्मू में स्टोर आते हैं रिलायंस के तो क्या जम्मू वालों के लिए ठीक रहेगा, मतलब नुकसान होगा फ़ायदा होगा, क्या लगता है? मैं भी ये नुकसान और फ़ायदे तो खैर जनता जानती है, खुद ब खुद जानती है जनता। आप भी तो जनता ही हो। हाँ, हम भी जनता बस ही हैं। लेकिन इसके आने से बड़े बड़े लाला जो है इनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन गरीब पब्लिक ज़रूर परेशान होगी। अच्छा। हाँ, और बाकी तो खैर सभी आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा क्या, ये तो गवर्नमेंट जाना है। आप बताओ ना, आपके हिसाब से क्या फ़ायदा मिलेगा?
हमारे हिसाब से तो क्या भुखमरी चल रही है देश में, जो भुखमरी है ये तो बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं ना। ये रिलायंस की कंपनी आने से पहले कोई इतना ऐसा साधन नहीं जो जिस चीज़ के रेट बढ़ गए ये कम कर दे रेट, हमारे सामने तो आज तक आई नहीं है ये चीज़। अंकल जी, अगर जम्मू में रिलायंस के स्टोर आते हैं तो क्या जम्मू वालों के लिए ठीक रहेगा? वेलकम कर रहे हैं जम्मू वालों के, मैं हम करते हैं वेलकम, क्योंकि आम लोग जो हैं, आम बंदा जो है, वो इतना सफ़र हो रहा था, इतना सफ़र हो रहा था, किन की वजह से हो रहा था? कनक मंडी में जो लाले बैठे हुए, बेयर हाउस में जो लाले बैठे हुए, जो आम नीचे वाले गरीब आदमी हैं, ठीक है, हम लोगों ने जब राशन यहाँ से बांटा 1,25,000 रुपये का, जब हमने जमा किया यहाँ से, हम कनक मंडी में गए, हमने उनको बोला कि आप हमें राशन दीजिए, उन्होंने वहाँ पर दुकानें बंद कर दी, ठीक है, उन्होंने बोला हम नहीं देंगे, कोरोना है बंद कर दिए, कोरोना में इन्होंने हमें दुकानें बंद की। हम लोग जो तालाब कटीका से, पूरी पूछो मार्केट शॉप, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने राशन बांधा, ठीक है, ये कोरोना में काम नहीं करने वाले हैं। अगर ट्रेल है ये दुकानदारों को पूछते नहीं हैं, तालाब खटीका, उस्ताद मल्ला, बठंडी, नरवाल, सुजमा, चाटा, सारा जितना भी एरिया है हमारा, आज तक इन्होंने कुछ पूछा नहीं है। तो ये जो आ रहा है रिलायंस आ रहा, हम तो आम बंदा जो है, लोकल बंदा जो है जम्मू का है, वो पाए मुसलमान हो, पाए वो सिख हो, पाए वो ईसाई हो, पाए वो कोई भी हो, जम्मू का डोगरा, जम्मू के डोगरे जड़े भी हैं, वो इस रिलायंस के बिल्कुल हक के विच है कि ये आए, क्योंकि चीनी जड़ी है वो किलू 20 ग्राम जो है एक्स्ट्रा मिलेगा सानू, जी पैरेस्टरमॉल जी है वो जी है 70 रुपये का पट्टा मिलना सानू, 20 रुपये का पट्टा मिलता, ठीक है, 20 रुपये का पट्टा मिलता भैन जी। उसके बाद दुध का डब्बा जोड़ा है, ठीक है ना, दुध का जोड़ा डब्बा है, ठीक है ना, दुध का डब्बा 580 रुपये का है, ठीक है, 340 रुपये का होना, ठीक है ना। तो तुम मैं बोलो असी लोकल लोग जोड़े गरीब लोग जोड़े, ठीक है ना जम्मू का जोड़ा शोहकार तो है ही नहीं है, शोहकार तुम बोलोगे जम्मू का शोहकार तो है ही नहीं है, ठीक है ना, भाई जम्मू का लोकल हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, कट्टे है भाईचारा सा, असी बोले गए कि रिलायंस लैना उत्थे जाना सी उत्थे जी। अंकल जी, जम्मू में अगर रिलायंस स्टोर आते हैं तो क्या जम्मू वालों के लिए ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। क्यों? क्योंकि फिर इधर तो सारे दुकानदार ऐसे रह जाएंगे, सारे तो वहाँ से लेंगे सामान, ये तो कनक मंडी शंडी सब रह जाएंगे, मतलब नुकसान होगा। नुकसान भैया, अगर जम्मू में रिलायंस के स्टोर आते हैं तो जम्मू वालों के लिए ठीक होगा, कोई नुकसान होगा, कोई फ़ायदा होगा, क्या लगता है आपको? जम्मू वालों के लिए फ़ायदा होगा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जम्मू वालों को कम रेट पे मिल जाएगा सारा सामान वगैरह, तो जम्मू के कॉमन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे। फ़ायदा बड़ा, ठीक। भैया, जम्मू में अगर रिलायंस के स्टोर आते हैं तो जम्मू वालों के लिए कोई नुकसान है, कोई फ़ायदा है, क्या लगता है आपको, मतलब जम्मू वालों के लिए ठीक है? जम्मू वालों के लिए तो नुकसान है, पर जब से 370 धारा तोड़ा गया है तब से जो भी फ़ायदा हुआ था, अभी आ रहा है फ़ायदा, 2 साल के लिए तो लॉकडाउन था, कुछ नहीं बना, रिलायंस जब आएगा तो फायदा है, सस्ते रेट पे मिलेगा ना हर कुछ, अच्छे रेट में मिलेगा। नुकसान होगा आपके हिसाब से कि फायदा होगा, क्या होगा? मैम हमारे लिए तो ठीक ही है। ठीक है आपकी? बिल्कुल, मतलब फायदा होगा। फायदा होगा इससे, नुकसान कोई नहीं। कोई नुकसान नहीं। भैया, अगर जम्मू में रिलायंस के स्टोर आते हैं तो क्या लगता है आपको, जम्मू वालों के लिए ठीक होगा? अच्छा होगा। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्लस होलसेल मार्केट्स में हमें अच्छे प्राइसेस में सामान मिल जाएगा, हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो हमारा तो होटल लाइन है वैसे भी, हमें तो चाहिए भी होलसेल्स में। अच्छा, अब जो आगे भागना पड़ेगा इधर भागेंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी भाग रहे हैं 370 के बाद, तो हम भाग ही रहे हैं। अगर रिलायंस के स्टोर आते हैं तो क्या जम्मू वालों के लिए ठीक रहेगा, मतलब आपके हिसाब से क्या जम्मू वालों को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? नहीं, इस कोई नुकसान नहीं है, जम्मू वालों की आवाम को फ़ायदा है, इस लोगों का बेनीफिट है। ये मैं कहना पहला कदम है सरकार का, सेंटर का, कि लोगों का की कहें भला करने वास्ते ये पहला कदम है। और रिलायंस इतने आए, असं तो चाहते हैं वो इधर आए ताकि लोगों को नौकरियां लभे, सानू सस्ता राशन लभे, तो और अगे मतलब कि और इस तरह के काम और अगे चलते रहन। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मतलब रिलायंस के स्टोर अगर आ जाते हैं तो जो छोटा कारोबारी है क्या उसको कोई नुकसान नहीं होगा जम्मू के? ए मनगढ़ंत गल्ला ने, ए अपोजिशन दी गल्ला है, ए कोई
इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये असल च लोगों के वास्ते ही बेनीफिट है, जेड़ा ये गल करे करता है वो एंटी नैशनल है। भैया जम्मू में अगर अलायंस के स्टोर आते हैं तो जम्मू वालों के लिए ठीक रहेगा? ये जम्मू वाले के लिए, जो तो बड़े लोग हैं इनके लिए तो ठीक है, मगर जो आम पब्लिक है उसके लिए ठीक नहीं है। आम पब्लिक है, गरीब हैं, इनके लिए ठीक नहीं है, और इनके लिए तो और ज़्यादा बेरोजगारी का ये साधन हो रहा है। बाकी जो बड़े लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बाकी मीडियम वालों के और आम पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, नुकसान है इससे, और जो और ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि ये छोटा काम करते हैं, छोटे काम करने वालों के अब फिर लॉस पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा लॉस है, तो वो तो बेकार ही है, कहीं का नहीं रहेगा वो। भैया अगर जम्मू में रिलायंस के स्टोर आते हैं तो जम्मू वालों के लिए ठीक है? हाँ, क्या लगता है आपको? जनरल पब्लिक के लिए ठीक है, बट जो व्यापारी है उनके लिए अच्छा नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके जो मार्केट है वो गिर जाएगी, और जो जनरल पब्लिक है उनको अगर सस्ते दामों पे चीज़ें मिलेंगी तो अच्छी है। मतलब कारोबारियों के लिए नुकसान? बिल्कुल।